अभी तक उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो लंदन में है ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब हम लंदन में हैं वो भी ये जानता है। कौन? टाइगर। टाइगर और जोया को रॉ और आईएसआई की फाइल्स में गुमशुदा करार कर दिया गया। टाइगर के सारे पासपोर्ट हमने कैंसिल कर दिए। वेल दोस्तों, स्पाई स्टोरीज तो ना जाने आपने कितनी ही सुनी होंगी। ऐसे लोगों की कहानियां जो पाकिस्तान, साइरिया और ना जाने कितने ही इस्लाम देशों में कोई ना कोई टास्क पूरा करने जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही होते हैं जो असल में भारत वापस आ पाते हैं। रिपोर्ट्स का दावा है कि 90% स्पाइज बाहर के देशों में ही पकड़े जाते हैं और उन्हें वहीं बंदी बना लिया जाता है, और उन 90% में से भी 87% लोगों को वापस कोई नौकरी नहीं मिलती और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी गिर जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कोई कभी इन लोगों को समझ पाएगा? क्या हमारे देश की सरकार कभी ऐसे लोगों के लिए कुछ कर पाएगी? वल सरकार करे या ना करे, लेकिन एक आदमी है जो खुद इनमें से एक है और ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए पूरी जी जान लगा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके सामने लेकर आए हैं विनोद सहानी नाम के एक आदमी की कहानी, जिसने ना सिर्फ देश के लिए कुछ बड़ा किया बल्कि असली देशभक्त बनकर देश के लोगों के लिए भी कुछ करना चाहा। विनोद सहानी बचपन से ही एक लोअर क्लास फैमिली में पला बड़ा था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे और इसीलिए विनोद अपनी पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं कर पाया। उसके पिता बस चाहते थे कि किसी तरह से विनोद कोई भी काम करना शुरू कर दे और घर में कुछ पैसे आए, और विनोद ने भी यही किया। उसे गाड़ी चलानी काफ़ी अच्छे से आती थी और इसीलिए उसने एक टैक्सी ड्राइवर का काम शुरू कर दिया। उस काम से इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन हाँ, पहले से कंपेयर करें तो अब घर के हालात काफ़ी अच्छे थे। पर वो तब भी तरीके ढूंढता रहता था कि कैसे भी करके उसे कोई बड़ी नौकरी मिल जाए। एक दिन विनोद की टैक्सी में एक पैसेंजर बैठा जो कि एक इंटेलिजेंस ऑफिशियल था, और उसने विनोद को स्पाई की नौकरी के बारे में बताया। विनोद का कहना है कि उस पैसेंजर ने उसे बताया कि इस काम से इतने पैसे मिलेंगे जितने तुम 10 साल टैक्सी चलाकर भी नहीं कमा सकते, और साथ ही इंडिया वापस आकर भी उसे एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। सरकारी नौकरी का नाम सुनते ही विनोद भी उसकी बातों में आ गया और उसने फैसला कर लिया कि अब वो भी यही करेगा। उसने साल 1976 में अपनी पाकिस्तान जाने की ट्रेनिंग शुरू की, और एक साल की कड़ी मेहनत के बाद उसे 1977 में पाकिस्तान भेजा गया। लेकिन अफसोस, 1977 में ही कुछ महीनों बाद उसे पकड़ लिया गया और उसका भांडा फूट गया। उसे कड़ी निगरानी और इंटरोगेशन में रखा गया और 11 साल की सज़ा सुनाई गई। विनोद बताता है कि वो 11 साल उसकी ज़िंदगी के सबसे मनहूस साल थे। इससे अच्छा समय वो था जब वो भारत में गरीबी के दिन काट रहा था, और बस इसी उम्मीद से वहाँ वो जिंदा रहता था कि भारत आकर एक गवर्नमेंट जॉब उसको मिलने वाली है। उसे बस यही लगता था कि ये सब कभी वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि भारत जाकर वो अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा कर सकेगा। लेकिन 11 सालों बाद जब साल 1988 में उसे वापस भारत भेजा गया, तब उसने उसी इंटेलिजेंस ऑफिशियल से जाकर बात करी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, बल्कि सब ने उसे वापस टैक्सी चलाने को कहा। जब विनोद रोने लगा, तब उसे जवाब मिला कि उसे ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। वो अकेला नहीं है जिसे ये सब करना पड़ रहा है, बाकी कई ऐसे लोग हैं जिनके हालात उससे भी बुरे हैं। फिर भी विनोद कई सालों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, पर उसे आखिरकार जाकर समझ आया कि इस देश में जस्टिस पाने के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार करना होगा, और ऐसा भी मुमकिन है कि उसकी खुद की मौत हो जाए पर तब भी उसके जस्टिस की बारी ना आए। और उसने फैसला ले लिया कि वो खुद अपने जैसे लोगों की मदद करने के लिए कुछ तो करेगा। उसने कई ऐसे लोगों से बात की जिनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, और उसे पता चला कि ये सभी लोग कहीं ना कहीं अब हार मान चुके हैं और इन्हें लगता है कि अब जिंदगी में इनका कुछ नहीं हो सकता। पर अभी विनोद ने हार नहीं मानी थी, और वो चाहता था कि खुद के लिए और इन सभी के लिए एक ऐसी सेफ जगह बनाए जहाँ सबको एक नौकरी मिल सके और सभी एक अच्छा जीवन जी सके। उसने फिर से टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया, और उसे जितने भी पैसे मिलते थे वो उसे सेव कर लेता था। जब उसे लगा कि अब उसके पास काफ़ी सेविंग्स हो गई हैं, तब उसने जम्मू जाकर एक छोटा सा ऑफिस बनवाया और उसका नाम एक्स स्लूथ एसोसिएशन रखा, और उन सभी लोगों को बुलाया जो कि इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स द्वारा अबैंडन्ड थे। आज विनोद सहानी जम्मू के इस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, और वहाँ कई लोग नौकरी करते हैं।
और आज भी विनोद ऐसे लोगों की मदद करने के लिए तैयार है जिन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ है। तो दोस्तों ये थी विनोद की इंस्पिरेशनल स्टोरी, जिसे धोखा तो मिला लेकिन उसने इस धोखे से भी कुछ बड़ा करके दिखाया और भारत में एक काफ़ी बड़ा चेंज लेकर आया। वेल दोस्तों, आपको विनोद सहानी की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही रिलीज होने वाली सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर पार्ट 3 भी इसी तरह स्पाइस की कहानी पर आधारित होने वाली है और इस बार मेकर्स कोई ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर आना चाहते हैं जिससे लोगों को फिर से अच्छाई पर विश्वास हो और दुनिया में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा मिले। और इसीलिए इस बात की बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इस बार मूवी में विनोद सहानी की ये मोटिवेशनल कहानी दिखाई जाए। वेल दोस्तों, अगर सच में ऐसा होता है तो आप टाइगर 3 देखना पसंद करेंगे या नहीं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। टाइगर तुम्हारी तरह इडियट नहीं है।